बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इलेक्शन अनाउंस हुआ था पंजाब में, तो आपने किस हलके से जो है वो टिकट अप्लाई किया था, और आपको टिकट मिला था या नहीं मिला था तहरीक इंसाफ का? नहीं सर, मुझे टिकट नहीं मिला था। जी तो जनाब, आपने सुना मुराद रास के पास जो है वो पार्टी का टिकट ही नहीं था और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, और पार्टी को छोड़ना उनके लिए फिर भी मुश्किल था। आंसू भरा चेहरा हमने उनका कई बार देखा है। बात सिर्फ मुराद रास की नहीं है, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा, उनके पास पीटीआई का टिकट नहीं था। खान साहब ने टिकट नहीं दिया, खान साहब ने मेरिट की बुनियाद पर या कुछ और वजूहात की बुनियाद पर सबको टिकट दिया था। उसमें से जो लोग उस पर पूरा नहीं उतरे उनको टिकट नहीं दिया गया, जिस वजह से उन्होंने इस दुख में आकर पार्टी को छोड़ा और जाकर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, जहां इतने लोगों ने छोड़ा वहां 2500 से ज़्यादा लोगों ने आकर पार्टी को ज्वाइन किया है। छोड़ना और जाना ये आम बात है, और फिर वापस आना वो एक बहुत बड़ी बात है। आजकल ये सारे खान साहब से रबते में और कह रहे हैं कि हमें वापस बुलाएं, लेकिन खान साहब के पास सिस्टम सबसे बड़ी ताकत इन लोगों की है। ये जो सामने आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं वुकला, पाकिस्तान की ताकत भी वुकला है और इमरान खान की ताकत भी वुकला है। इंशाल्लाह अब हालात बेहतर हो जाएंगे।